हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय। दोस्तों, सीरियल इशारों इशारों में आने वाले एपिसोड में लेने वाला है अब सबसे बड़ा टर्न, क्योंकि दोस्तों जहां पर श्रीवास्तव फैमिली यानी योगी की जो फैमिली है वो अपने मान सम्मान के कारण पूरे चावड़ी बाजार में जानी जाती है, लेकिन दोस्तों आने वाले एपिसोड में उन्हें काटने पड़ सकते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर। दोस्तों बता दूं कि आने वाले एपिसोड में एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो कि लास्ट एपिसोड से ही जुड़ा है, जो कि अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। दोस्तों बता दूं कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा कि जब मॉल में जब वह शॉपिंग करने के लिए जाता है, योगी का पूरा परिवार यानी गुंजन और परी जो जाती है मॉल में, काफी कुछ होता है वहां पर, जहां पर रानी के जो चाचा जी है वह आकर फिर से बदतमीजी करते हैं रानी के साथ और फिर से उसकी पिटाई करता है विवेक और वहीं पे योगी भी। लेकिन दोस्तों उसके बाद वह पूरी सभी के सामने उसे धमकी दे देते हैं कि अगर अगली बार तुम फिर से नजर आए तो तुम्हें जान से मार देंगे। और दोस्तों काफी लोगों की भीड़ के बीच में ये खुली धमकी योगी और उसका भाई दे देते हैं रानी के चाचा जी को। उसके बाद ये बात पता चलती है प्रदीप चौहान को और वह कहते हुए नजर आता है। उसके बाद प्रदीप चौहान कहता है कि शिव कुमार शर्मा अब तुम्हारा दामाद यानी श्रीवास्तव परिवार देखेगा प्रदीप चौहान की पावर। दोस्तों बता दूं कि आने वाले एपिसोड में पूरी सिचुएशन बन रही है जहां पर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं श्रीवास्तव फैमिली को, जहां पर योगी और योगी के भाई को भी जेल हो सकती है। क्योंकि दोस्तों बता दूं कि सिचुएशन कुछ टाइप से बन चुकी है, क्योंकि वकील के रूप में उन्हें सुजॉय जो मिल चुका है। दोस्तों बता दूं कि सुजॉय की जो एंट्री हुई थी सीरियल के अंदर, काफी अच्छा किरदार है उनका सीरियल के अंदर और सभी उनको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और पेशे से उन्हें वकील दिखाया गया है। तो ऐसे में दोस्तों सिचुएशन आने वाले एपिसोड में काफी ज्यादा बदलने वाली है, जहां पर पूरा जो मसला है वह घर के अंदर ही चल रहा था। इन दिनों घर में ही आपस में लड़ाइयां चल रही थी योगी और गुंजन की फैमिली के बीच में, कुछ काफी कुछ चल रहा था प्रदीप चौहान और गुंजन की फैमिली के बीच में काफी कुछ चल रहा था। लेकिन दोस्तों अब ये सब मिलकर जाने वाला है कानूनी तौर पर काफी ज्यादा खतरनाक मोड, जहां पर सुजॉय भी अब इसमें अपनी मुख्य भागीदारी निभाते हुए नजर आएगा। दोस्तों बता दूं कि जहां पर हमने देखा है कि सीरियल में जब से सुजॉय की एंट्री की गई है उसका किरदार काफी अहम दिखाया गया सीरियल के अंदर, जहां पर योगी दोस्तों काफी ज्यादा फैमिली को संभालने में एक्सपर्ट है, वहीं पे सुजॉय कानून में और वहीं पे सुजॉय आने वाले एपिसोड में हमें कोर्ट कचहरी में अपनी पावर दिखाते हुए नजर आएगा कि वाकई में वह वही शख्स है जो कि परी को संभाल सकता है और एक अच्छा उसका साथी बन सकता है। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में मिलने वाला एक ऐसा टर्न जहां पर प्रदीप चौहान का निशाना बनने वाले हैं रानी के चाचा जी। और अगर हम सभी को पता है दोस्तों रानी के चाचा को कुछ भी होता है तो दोस्तों उन्हें धमकी दी थी किसने, योगी ने और योगी के बड़े भाई ने। तो सारा इल्जाम चले जाने वाला है श्रीवास्तव फैमिली के ऊपर, जहां पर अब कानूनी कार्यवाही में वे फंसने वाले हैं, जिससे उन्हें बाहर बचा कर लाएगा सुजॉय और वहीं पे दोस्तों उन्हें इंसाफ दिलाएगा, क्योंकि उन्होंने तो केवल धमकी दी थी बल्कि उन्हें जो उनके ऊपर इल्जाम लगाया है उसका असली गुनहगार होगा प्रदीप चौहान। तो ऐसे में दोस्तों आने वाला एपिसोड है काफी ज्यादा शानदार, जहां पर अब श्रीवास्तव फैमिली पहली बार एक ऐसी मुसीबत से टकराने वाली है जहां पर उन्हें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं कि इन सबसे कैसे निकला जाए। तो ऐसे में दोस्तों सुजॉय जो है यानी जो परी का हीरो है नया, वह अब उनकी पूरी तरह मदद करेगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बताइए कि आपको क्या लगता है कि योगी या फिर योगी का भाई किसके ऊपर लगने वाला है ये इल्जाम, यानी परी के चाचा जी के ऊपर हमला या करने का इल्जाम। दोस्तों कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है और आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि सुजॉय इन सभी मुसीबतों से निकाल पाएगा योगी और योगी के परिवार को, यानी परी जी से अपना परिवार मानते हैं। कमेंट जरूर बताइए और किस चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पर आप अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।